आप एक माँ हैं। क्यों, मैं आपको बाप लग रही हूँ क्या? इन लोगों के वीडियोस को तो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। ये बताते हैं कि ये माँ बेटा हैं, लेकिन इन लोगों की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लगती हैं। और इस वजह से काफी ज्यादा रोस्टर्स इन पर रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेमस तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन इन लोगों की हरकतें तो कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। इन्होंने माँ बेटे के एक पवित्र रिश्ते का काफी ज्यादा मजाक बना रखा है, और इसलिए शायद लोग इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर पॉपुलर संतूर मोमी के नाम से फेमस रचना जी के बारे में, कि ये कौन हैं, कहाँ रहती हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आखिर इनकी एज क्या है, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि ये शायद स्टेप मदर हैं, क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और इनके हस्बैंड इनसे देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि रचना जी की शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई थी। उस वक्त ये मात्र 15-16 साल की थी और अंकल उस वक्त काफ़ी बड़े थे, जिसके कुछ टाइम बाद ही इन्हें दो ट्विंस बच्चे हुए, जिनका नाम परी और रुद्र है, जिनकी उम्र 14 साल है। हालांकि ये दोनों काफ़ी बड़े हो गए हैं और रचना जी ने अपने आप को उस तरह से मेंटेन रखा है कि उनकी उम्र ज़्यादा लगती नहीं है। हालांकि वो 35 ईयर्स की हैं, लेकिन देखने में वो एकदम टीनेजर जैसी लगती हैं। और जो अंकल इनके हस्बैंड हैं, एक तो वो पहले से ही बड़े थे और ये भोले से अंकल अपनी वर्क लाइफ में बिजी होने के कारण अपनी फिटनेस का उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए, इस वजह से ये ज़्यादा एज के लगते हैं। और वही रचना आंटी एक फिटनेस फ्रीक हैं, जो कि अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती हैं, जिस वजह से देखने में अपनी उम्र से काफ़ी कम की लगती हैं। रचना जी को शुरू से वीडियोज़ वगैरह बनाने का काफ़ी शौक था, लेकिन शादी और बच्चे हो जाने के कारण उनके वो सपने पूरे नहीं हो सके, जो वो आज इंस्टाग्राम पर रील वीडियोज़ बनाकर पूरे कर रही हैं, जो कि सही बात है। लेकिन इनके वीडियोस कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें काफ़ी ट्रोल करते हैं और रोस्टर्स इन्हें बहुत रोस्ट करते हैं। लेकिन इसमें रचना जी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह जानती हैं कि इंस्टाग्राम रील्स पर अच्छे वीडियोस तो कभी वायरल होते ही नहीं, कुछ अजीब और अतरंगी वीडियोज़ ही वायरल होते हैं। और इन्होंने भी वैसा ही किया, अजीबो गरीब वीडियोज़ जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में तो ये कैसे भी वीडियोज़ बनाएं, लेकिन अक्सर लोगों का कहना होता है कि जैसे ये वीडियोस बनाते हैं, ऐसे अजीब वीडियोस से माँ बेटे के पवित्र रिश्ते का मजाक बनता है। वैसे अपने घर में ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली अगर वो किसी चीज़ को डाल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सोच समझकर अपलोड करने की ज़रूरत है। बाकी आपके क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और फेमस होने के लिए ऐसी हरकतें करना क्या ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कॉमेंट में लिख कर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।